पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती, मनमाने तरीके से काम किए जाते हैं, भ्रष्ट तरीके से काम किए जाते हैं। उसके बाद हमने एक मीटिंग निकाली, उसमें कोई पार्षद नहीं आया। जब तक हाउस के अंदर पार्षद नहीं आएंगे, जब तक हाउस सदन की सहमति नहीं होगी, जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक हम विकास कार्य किस तरीके से कर... क्या किसी का फोन बंद होना उसका गुनहगार होना साबित कर देता है? आपके सामने अकाउंटेंट, अभी आप अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अकाउंटेंट महोदय नगर पालिका के कह रहे हैं पूरी प्रेस के सामने कि ऐसी घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। हमने दोनों को समझाने की कोशिश की, दोनों से बात की, लेकिन दोनों की अकर्मिता ना समझ इसमें बैठ के पैचअप करवाने की भी कोशिश की। हमारा जो काम था हमने किया। हम चारों पार्षदों ने श्रीमती सनेलता देवी, जो कि वाइस चेयरमैन है हमारी नगर पालिका की, उनके नेतृत्व में अशोक कुमार, विकास यादव और प्रमिला जी जो वार्ड नंबर 11 से पार्षद है, चेयरमैन जितिन कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का शपथ पत्र दिया है माननीय उपायुक्त महोदय को। उसके पीछे सीधा सा हमारा एक कारण है कि पिछले 12 महीने से 19 जून 2020 को ये कमेटी गठित हुई थी। चुनाव 2018 में 2 साल बाद कमेटी गठित हुई। हर महीने एक साधारण बैठक का प्रावधान है जिसमें शहर के विकास कार्यों के बारे में हर पार्षद अपनी बात रखता है, लेकिन और वो बैठक मैंडेटरी है हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के अनुसार, आवश्यक है एक बैठक बुलाना हर महीने, लेकिन एक बैठक केवल 3 सितंबर 2020 को बुलाई गई। यहाँ इस सदन में 12 महीने में पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती, मनमाने तरीके से काम किए जाते हैं, भ्रष्ट तरीके से काम किए जाते हैं। जैसा कि मैंने सदन में सवाल पूछा था, कि 3 सितंबर 2020 की बैठक में स्ट्रीट लाइटें खरीदने की बात आई थी, उसमें हमने कहा था हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक स्ट्रीट लाइटें खरीदी जाएं, परंतु हरियाणा सरकार के नियमों को धता बताते हुए मैं आपको विद रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए। सेक्शन 35 में खरीदी गई और सेक्शन 35 19 जून को किया गया, 19 जून को हमारे चेयरमैन साहब शपथ लेते, सेक्शन 35 केवल प्राकृतिक आपदा के समय म्युनिसिपल फंड को खर्च किए जाने का अधिकार है प्रधान को, ना कि विकास कार्यों का। और स्ट्रीट लाइट विकास कार्यों में आती हैं। उसके बाद अगर आपने सेक्शन 35 कर दिया तो उसको हाउस की अगली बैठक में उसको रखना होता है। ये सम्मानित हाउस, चुना हुआ हाउस है, शहर के वार्डों से हम जनता के वोटों द्वारा चुनकर आए हैं। हमारे वो जब मीटिंग रखी गई तो सेक्शन 35 के खर्च का कोई नहीं बताया गया, क्या किया गया क्या नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर के महीने में कुछ पेमेंटें की गई कंटीजेंटी बिलों पर, जबकि हरियाणा सरकार का सीधा नियम है कि एक कार्य का एक टेंडर उसके टुकड़े नहीं कर सकते। 15 से 20 हज़ार के बिल बनाए गए जिनका ऑडिट नहीं किया गया। ये भ्रष्टाचार के आरोप हमने माननीय मंत्री शहरी स्थानीय निकाय अनिल विज जी को लगा रखे, जिसकी जांच माननीय एसडीएम साहब के यहाँ चल रही है, जिसके भी मैं आपको कागज पेश कर सकता हूँ। ये मैंने शिकायत लगा रखी है अनिल विज जी के कार्यालय में, जिसकी जांच अभी चल रही है, ठीक है जी। इन सब बातों से परेशान होकर के 2 बजट की बैठकें इससे पहले बुलाई गई। हमने बार बार आग्रह किया कि बजट को हमें बताइए, क्या बजट है, हमसे सुझाव मांगिए, सब कमेटी बनाइए, जनता से पूछिए कि आपको बजट में क्या चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताया जाता, ये गुप्त एजेंडा रहता है। आज जैसे टेबल पर बैठे निकाल कर हमें बजट का कागज दे दिया। इसमें आप देखिए लाखों के आंकड़े हैं, लाखों करोड़ों के आंकड़े लिख रखे हैं। कितना है टोटल बता दीजिए। इन आंकड़ों का जब किसी पार्षद ने स्टडी नहीं किया तो क्या हम हाउस में सिर्फ इसको पास करने आते हैं? हमें पिछला बजट 2019-20 का, इससे पहले का 20-21 का बजट नहीं दिखाया गया कि उसमें क्या किया गया क्या नहीं किया गया। आज एकदम से कागज पेश कर दिया जाता है ये बजट है, हमने इसलिए विरोध किया और इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव किया। पूछिए आप सवाल। अच्छा, जो अजीत बाबू के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जी, 25 तारीख की घटना जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अजीत बाबू पर 25 तारीख को एक हमारी सफाई महिला मजदूर श्रीमती गीता देवी ने एक अप्लीकेशन दी पुलिस को कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई इस प्रकार की, जिस बारे में यहाँ पर तस्दीक हुई नगर पालिका के कार्यालय में, तस्दीक नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भाई अभी भी यहाँ खड़े हैं जिन्होंने उसमें बयान दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उसके बावजूद जब परसों 16 तारीख को जब ये लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव, रात को मुकदमे दर्ज हो गया अजीत बाबू पर। मेरा यह कहना है इस घटना की सत्यता से जांच की जाए, अगर इस प्रकार का कोई गलत काम हुआ है
तो उस पर कड़ी से कड़ी अगर अजीत कुमार दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी घटना नहीं हुई, जैसा कि नगर पालिका टेली के कर्मचारी यहाँ मौजूद बताते हैं, अगर ऐसी घटना नहीं हुई और फिर किसी गलत तरीके से किसी राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए अगर अजीत कुमार प्रकेश हुआ है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और तुरंत विकास जी जैसे सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए मुझे तो बोलने दीजिए। और मैं माननीय एसपी साहब से मिलेंगे, बहन जी ने ये लिख रखा है, हम एसपी साहब से मिलेंगे, उनको भी आवेदन करेंगे कि इस मामले की जाँच करके अगर गलत है तो मुकदमे को रद्द किया जाए। जैसे परसों मीडिया कंटिन्यू ट्राई कर रहा था अजीत बाबू का फोन, लेकिन उनका फोन बंद था, उनके बयान नहीं रिकॉर्ड हो पाए, उनका फोन क्यों बंद था? अगर वो निर्दोष हैं तो उन्होंने फोन बंद करने की क्या आवश्यकता थी? वो बीमार है, गए हुए हैं, यहाँ है नहीं, ये उनकी धर्मपत्नी है। देखिए भाई साहब एक बात सुनिए, क्या किसी का फोन बंद होना उसका गुनहगार होना साबित कर देता है? आपके सामने अकाउंटेंट, अभी आप अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अकाउंटेंट महोदय नगर पालिका के कह रहे हैं पूरी प्रेस के सामने कि ऐसी घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था, उसको कोई सबूत ही नहीं है। मनीष कुमार जमादार लिख कर दे रहा है कि मैं वहां मौजूद था, ऐसा नहीं हुई। मनोज कुमार जमादार लिख के दे रहा है कि ऐसी घटना नहीं हुई, मैं सामने खड़ा था, वो सबूत ही नहीं है। एक फोन बंद होने पर किसी आदमी मुकदमा दर्ज कर दे। आप पर आरोप है मनमर्जी से काम करने का, दफ्तर में नहीं आने का, और जनता की ये जो काम है विकास कार्य आपने नहीं करवाया, ऐसा आरोप आपको लगा? ऐसा है, 3 सितंबर जो डेट थी मीटिंग की, हमने एक मीटिंग करी हाउस में, उसके बाद जो मीटिंग में एजेंडे पास हुए हमने उन एजेंडों पे बहुत काम करवाए। जो एजेंडे थे उनमें लगभग 60-70% काम हमने पूरा करवाया। उसके महीने दो महीने बाद हमने एक मीटिंग निकाली हाउस की, उसमें कोई पार्षद नहीं आया। जब तक हाउस की उसके बाद हमने एक मीटिंग निकाली, उसमें कोई पार्षद नहीं आया। जब तक हाउस के अंदर पार्षद नहीं आएंगे, जब तक हाउस सदन की सहमति नहीं होगी, जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक हम विकास कार्य किस तरीके से करवा सकते हैं? एक मीटिंग में जो पास हुआ हमने वो करवाया, अब आगे जो मीटिंग तो मतलब आगे के काम तो सुचारू रूप से कमेटी में जब पार्षद आएंगे सब सही चलेगा तभी हो पाएंगे ना। तो शहर की स्ट्रीट लाइटें हैं बिना किसी नियम और इन सब के खरीदी गई, आरोप आप पर हैं। 19/6/2020 को मैंने शपथ ली थी, 2 साल से शहर के अंदर कोई मतलब कोई चेयरमैन नहीं था। हमारे पास लोगों के सवाल थे, जवाब थे कि भाई हम लाइटें चाहिए, महका माहौल है यहाँ पे, चोरी की वारदातें होती है और गलियों में रात को जब लड़कियां निकलती है घूमने, बच्चे निकलते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ होती है, इस तरह का हमने वो चीज़ें देखते हुए कि अभी एकदम से हम आज लिए हमने ये सेक्शन 35 में लाइटें मंगवाई थी और वो लगवाई। अजीत बाबू का बार बार मामला उठा रहे हैं, उसका सीधा सीधा ये आरोप आप पर और सेक्रेटरी साहब पर लगा रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं, इसके आप क्या कहेंगे? हम तो निष्पक्ष जाँच के लिए तैयार हैं, जो वो कह रहे हैं वो उनका काम है कहना, बाकी तो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। ये बात सेक्रेटरी साहब ने लिख के दे दिया था पुलिस स्टेशन में भी, और अभी ये मामला पुलिस के पास है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारी जांच जरूर करे, हमें बुलाओ, जो निष्पक्षता होगी हम निष्पक्षता मतलब सच के साथ। सर पिछले 1 साल से आप चेयरमैन की कुर्सी पर हैं, विकास कार्यों के नाम पर टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है लगभग आप बता सकते हैं? अनुमानित इसमें है बजट का है वो मैं एक बार देख के अभी बता देता हूँ। हमने दोनों को समझाने की कोशिश की, दोनों से बात की, लेकिन दोनों की अकधर्मिता ना समझ इसमें बैठ के पैचअप करवाने की भी कोशिश की, हमारा जो काम था हमने किया। सर इसमें बीच में चेयरमैन की कुर्सी आ जाती है, जो ये मामला है ये हम नहीं कह रहे हैं, आरोप ऐसा है कि ये जो चेयरमैन की कुर्सी है ये सब पंगे करवा रही है। ऐसा नहीं है, चेयरमैन की कुर्सी, चेयरमैन ये कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके के काम हो, क्योंकि साथ में अविश्वास प्रस्ताव के लिए डीसी के पास में गए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो यही चाहूँगा कि निष्पक्षता से काम हो, और आज भी यही चाहूँगा, पहले भी ये चाहा था और आगे भी यही चाहता रहूँगा। आज मैं इस सीट पे हूँ, कल मैं इस सीट पे चाहे रहूँ ना रहूँ, लेकिन आगे जो भी आए या मैं रहूँ कुछ भी हो, काम हमेशा निष्पक्षता और सच के साथ हो, मेरा सिर्फ एक यही कहना।